इलेवेंथ में यहाँ पे आई थी। तो मतलब जब मैं पहली बार आई थी तो ऐसे मुझे पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, और हम ज़्यादा नोटबुक पढ़ते थे और ज़्यादा वैसे तो एनसीईआरटी पढ़नी होती थी। तो फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ में तो मेरा स्कोर ज़्यादा नहीं आता था, मतलब 500 इतना ही आता था। तो फिर लास्ट में जब टेस्ट लगते थे तब मेरा स्कोर बढ़ा था, 580 इतना हुआ था। पर एग्ज़ाम में मेरे 567 आए थे, और फिर मैंने एक साल और तैयारी की तो मेरे 560 आए। और मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट बाबूलाल से नहीं किया, और मतलब हम दो तीन बहन भाई है, हम दोनों साथ में रहते थे तो जो भी डाउट पूछना होता था हम दोनों ही डिस्कस कर लेते थे। और आपकी माइनर्स हुए यहाँ पर है ना, तो उन माइनर्स को देख के कहीं ना कहीं फिर लास्ट में नीट का एग्जाम जब देते हैं तो फिर कुछ नई फीलिंग आती है, या फिर आपको एग्जैक्टली वही लगा जो यहाँ पे फील किया आपने? नहीं, वहाँ पे मतलब यहाँ पे जब हम पेपर देते थे ना तब मतलब ऐसे बायो में जल्दी पेपर हो जाता था, लेकिन जब एग्ज़ाम में हुआ तो बायो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। और ऐसे मतलब फिजिक्स में हमें ज़्यादा टाइम लगता था यहाँ पे, पर वहाँ पे तो फिजिक्स में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मीन्स आपका अल्टीमेटली बोलने का मतलब बच्चे का ये हुआ कि जो यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया जाता है एग्जैक्टली वैसा ही शेड्यूल वहाँ भी टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये देते हैं कि पहले कौन सा पेपर करना है, और एक मेंटल फ्रेम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, कुछ भी नयापन वहाँ पे नहीं है। धन्यवाद।